नमस्कार मित्रों, आइए मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म के अंतर्गत पिछले वीडियो में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था यानी इन्फ्लोरेसेंस, उसी को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ पर हमने इन्फ्लोरेसेंस का एक प्रकार डिस्कस किया था आपके साथ, यहाँ पर और तीन प्रकार जो बाकी हैं उनको इसमें डिस्कस करेंगे, और वो हैं साइमोस, मिक्स्ड और स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि जो फ्लोरल एक्सेस होता है, पुष्प अक्ष होता है, उस पर जो अरेंजमेंट है फ्लावर्स का, किस प्रकार का सीक्वेंस है फ्लावर्स का, उसी को पुष्पक्रम कहा जाता है। और जब एक ही पुष्प लगा होता है तो उसे एकल पुष्प कहा जाता है, और जब एक शाखा पर पुष्पों का पूरा समूह लगा होता है तो उसे पुष्पक्रम कहा जाता है। वहाँ पर हमने आपको यह भी बताया था कि जो पुष्पक्रम होते हैं उनको हम चार भागों में बांट सकते हैं, जिनमें एक था असीमाक्षी, दूसरा सहसीमाक्षी, तीसरा मिश्रित और चौथा विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम। इसमें से हम पहला असीमाक्षी पुष्पक्रम अध्ययन कर चुके हैं, बाकी तीन प्रकार के जो पुष्पक्रम हैं वो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं सहसीमाक्षी पुष्पक्रम। जब आप इनको स्टडी करें तो असीमाक्षी और सहसीमाक्षी में कहीं ना कहीं अंतर भी आपको करना है। जब आप ये देख चुके होंगे, पूरा समझ चुके होंगे, तो आप दोनों में डिफरेंस करने का प्रयास भी करें। तो सहसीमाक्षी जो पुष्पक्रम होता है, इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली ग्रंथ सीमित वृद्धि करने वाला होता है। वहाँ पर आपने देखा था कि पुष्पावली ग्रंथ की जो वृद्धि है वो असीमित होती है, लगातार होती रहती है, लेकिन यहाँ पर जो पुष्पावली ग्रंथ है वो सीमित वृद्धि करने वाला होता है, और इसके शीर्ष पर, अपेक्स पर फ्लावर्स लगते हैं। इसमें बड़ा पुष्प शीर्ष जो होता है उस पर तथा छोटे पुष्प पार्श्व में लगे होते हैं। दो प्रकार से लगे होते हैं, एक शीर्ष पर लगे होते हैं और साथ में ही जो लेटरल फ्लावर्स हैं वो लेटरल साइड्स में यानी पार्श्व में लगे होते हैं। इस प्रकार के पुष्प क्रम में पुष्प बेसिपिटल ऑर्डर, जिसको हिंदी में तलाभिसारी क्रम कहते हैं, उसमें लगे होते हैं, अर्थात एक ही तल पर आपको पुष्प यहाँ पर नज़र आते हैं। तो इस प्रकार से तलाभिसारी क्रम में इसमें पुष्प लगे होते हैं। ये जो सहसीमाक्षी पुष्प क्रम है वो बेसिकली चार प्रकार का यहाँ पर आप देख रहे हैं, एकल, एक शाखी, द्विशाखी और बहुशाखी। सबसे पहले एकल या सिंगल या सॉलिटरी साइम जिसको कहते हैं, इसमें नाम से पता चल रहा है कि पुष्पावली ग्रंथ पर केवल एक ही पुष्प लगा रहता है। जो पुष्पावली ग्रंथ होता है उस पर केवल एक पुष्प लगता है, और स्थिति के आधार पर यानी ये पुष्प की स्थिति क्या है, जो सिंगल फ्लावर लगेगा वो किस पोजीशन में लगता है, उस आधार पर ये दो प्रकार का, एकल कक्षस्थ और एकल शीर्षस्थ। सिर्फ नाम से पता चल रहा है कि जो पहला प्रकार है उसमें जो वो फ्लावर है वो कक्षस्थ स्थिति में लगा रहता है, एक्सिलरी कक्षस्थ स्थिति में लगा रहता है, गुड़हल में आप ऐसा देख पाएंगे। और जो दूसरा प्रकार है उसमें जो फ्लावर है वो टर्मिनल यानी शीर्ष भाग पर लगा रहता है, और ऐसा गुलाब में हम देखते हैं। तो इस प्रकार से जो एकल प्रकार का है वो दो भागों में बांटा आपने, केवल इसमें सिंगल फ्लावर है और सिंगल फ्लावर की पोजिशन दो प्रकार की, एक कक्षस्थ और दूसरी शीर्षस्थ। तो पहला हुआ एकल, दूसरा एक शाखी मोनोकेशियल या यूनिपेरस साइम। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली ग्रंथ एक पुष्प में समाप्त हो जाता है। पुष्पावली ग्रंथ होता है वो पुष्प एक उत्पन्न किया और उसके बाद समाप्त हो जाता है, और इससे एक लेटरल ब्रांच निकलती है। इस पुष्पावली ग्रंथ से एक पार्श्व शाखा निकलती है जो पुनः एक पुष्प में समाप्त हो जाती है। यानी एक मेन पुष्पावली ग्रंथ, उस पर एक पुष्प लगा और इसके बाद वो उसकी वृद्धि रुक गई, समाप्त हो गया। इसके बाद उसके कक्ष में एक और शाखा निकलती है, वो भी एक पुष्प उत्पन्न करती है और उसकी वृद्धि रुक जाती है। ऐसे ही ये क्रम लगातार चलता चला जाता है। तो जिस प्रकार से एक ही साइड में आकृति बनती नजर आ रही है वो आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये दो प्रकार का हो सकता है। पहला प्रकार है इसका कुंडलित या हेलिकॉइड साइन। प्रत्येक बार पार्श्व शाखा एक ही ओर निकलती है, जो लेटरल ब्रांच है यहाँ पर वो एक ही साइड में निकलती जाती है, जिससे ये आप आकृति इसकी इस प्रकार से बनती हुई देखते हैं। एक ही साइड में निकलती जाएगी तो इसकी आकृति एक प्रकार से जो बन रही है वो डायग्राम में आप देख रहे हैं, और मकोई में इस प्रकार का उदाहरण देखा जा सकता है। जबकि दूसरा है स्कॉर्पाइड साइम, वृश्चिकी। जब पार्श्व शाखाएँ बारी बारी से पुष्पावली ग्रंथ के दोनों ओर निकलती हैं
तो उसे ब्रस्टकी कहा जाता है, स्कॉर्पोइड कहा जाता है। यानी पहले में आप देख रहे थे एक ही साइड में लेटर ब्रांच निकलती चली जाती है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइड्स में निकलती हैं। तो अपोजिट साइड्स में जब ब्रांच निकलती है तो किस प्रकार का पुष्पक्रम बनता है, संरचना डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप दोनों साइड्स में ब्रांचेज निकल रही हैं और बिगोनिया में ऐसा आप देख सकते हैं। तीसरा हुआ द्विशाखी डाइकेशियल या बाइपेरस साइम। इसमें जो पुष्पावलंबित है वो उसके शीर्ष पर पुष्प लगता है और इसके तल में दो सम्मुख पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। देखिए मेन डायग्राम में आप जो मेन पुष्पावली ग्रंथ है उसको आप देखिए, उसके शीर्ष पर एक पुष्प लगा हुआ है और उसके साइड में दो ब्रांच निकलती है, दोनों साइड दो सम्मुख पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। तो इस प्रकार का अगर पुष्पक्रम है तो उसे द्विशाखी या डाइकेसिल कहते हैं। एक मुख्य पुष्पावली ग्रंथ उसके शीर्ष पर लगता है और नीचे से दो लिटल ब्रांच निकलती हैं अपोजिट, इस प्रकार से ही आगे निकलती चली जाएंगी और यह पुष्पक्रम सघन होता चला जाएगा। चमेली, बेला, हारसिंगार आदि पादपों में इस प्रकार का पुष्पक्रम देखा जा सकता है। एक अगला प्रकार है और वो है बहुशाखी। पहले आपने एक शाखी देखा, दूसरा द्विशाखी देखा और तीसरा है बहुशाखी। इस प्रकार के जो पुष्पक्रम हैं उनमें पुष्पावली ग्रंथ पुष्प में समाप्त हो जाता है। पुष्पावली ग्रंथ तो एक पुष्प में समाप्त हो जाएगा। आप देख रहे हैं मैं जो पहला इस डायग्राम में आपको पहली नीचे वाली शाखा नजर आ रही है वो एक पुष्प में समाप्त हो गई। इसके पार्श्व में दो या दो से अधिक शाखाएं निकलती हैं, जनरली दो या दो से अधिक शाखाएं निकलती हैं। प्रत्येक शाखा इसी क्रम में व्यवहार प्रदर्शित करती चली जाती है, अर्थात प्रत्येक शाखा के सीड्स पर एक पुष्प लगता है और उसके जो पार्श्व होते हैं, लेटरल होते हैं, उनमें दो या दो से अधिक शाखाएं निकलती जाती हैं और इस प्रकार से ये पुष्पक्रम सघन होता चला जाता है। आँख में इसको आप आसानी से देख सकते हैं, आँख के पौधे को आप देखना, ये पुष्पक्रम आपको एग्जैक्ट उसमें ऐसा ही नजर आएगा। तो उसमें बहुशाखी पॉलीकेसियल या मल्टीपेरासाइम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है पुष्पक्रम का वो है मिश्रित पुष्पक्रम। अभी तक हमने दो किए हैं, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। अब तीसरा प्रकार है वो है मिक्स टाइप, अर्थात इनमें दोनों के ही मिक्सअप आपको मिलेंगे, असीमाक्षी भी और ससीमाक्षी भी। यहाँ पर नया कुछ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम कोई समझाने वाली बात आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वो ही दोनों प्रकारों में से आएंगे, चाहे तो असीमाक्षी का कोई प्रकार होगा या ससीमाक्षी का कोई प्रकार होगा, नया यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ये है कि यहाँ पर मिक्स मिलेंगे दोनों, इसलिए ये एक तीसरे प्रकार का पुष्पक्रम है जिसको मिक्स्ड टाइप इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। इस प्रकार के जो पुष्पक्रम हैं उनमें असीमाक्षी और ससीमाक्षी दोनों प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाते हैं। ये कुछ विशिष्ट प्रकारों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें पहला है मिक्स्ड स्पेडिक्स। अब स्पेडिक्स आप पढ़ चुके हैं इसलिए इसके बारे में यहाँ आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो केले में पाया जाता है, जिसमें मासल पुष्पक्रम पर ससीमाक्षी पुष्प समूह अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। तो केले में बेसिकली किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है तो यहाँ पर आप बताएंगे मिक्स्ड स्पेडिक्स। ऐसे ही एक है ससीमाक्षी पुष्प छत्र, साइमोज अम्बेल, दोनों ही आप पढ़ चुके हैं, साइमोज भी और अम्बेल भी। तो इस प्रकार से साइमोज अम्बेल मिक्स पाया जाता है, वो किस में पाया जाता है, प्याज में। तो प्याज में ससीमाक्षी जो पुष्प होते हैं वो छत्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं, यानी अम्बेल के रूप में अरेंज होते हैं। पुष्प तो होते हैं ससीमाक्षी, लेकिन अरेंजमेंट होता है अम्बेल टाइप का, तो इसको बोलेंगे ससीमाक्षी या साइमोज अम्बेल, और ये प्याज में पाया जाता है। तीसरे प्रकार का है मिक्स्ड पेनिकल, पेनिकल भी आप पढ़ चुके हैं। तो पेनिकल पुष्प जो होते हैं वो यहाँ पर वो बेसिपिटल ऑर्डर में लगे होते हैं। अगला है साइमोज कॉरिम, इस प्रकार के पुष्पक्रम में ससीमाक्षी पुष्प समूह समसिक रूप में लगे रहते हैं। तो दोनों का ही मिक्स आपको करके बता देना है कि बेसिकली किस प्रकार के पुष्प हैं और किस क्रम में लगे हुए हैं। ऐसे ही जैसे लास्ट वाला देखेंगे आप, पाँचवा ससीमाक्षी असीमाक्ष, अंगूर में इस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है जिसमें दोनों ही हैं। तो साइमोस और रेसिन, इस प्रकार का दोनों के लक्षण यहाँ पर पाए जाते हैं, दोनों ही प्रकार के पुष्पक्रम इसमें पाए जाते हैं और ये अंगूर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक और प्रकार, तीसरा आपने देखा था मिश्रित, जहाँ पर असीमाक्षी और ससीमाक्षी दोनों मिक्स रूप में पाए जाते हैं। अब इनके अलावा भी कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें इनसे अलग कुछ विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम भी पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम अलग से ही लिया जाता है कि स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, विशिष्ट प्रकार के।
पुष्पक्रम, और ये विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम कितने प्रकार के हो सकते हैं? उनमें पहला है साइथियम। इस प्रकार के पुष्पक्रम में सीमाक्षी पुष्पक्रम होता है, हम सीमाक्षी पढ़ चुके हैं, तो इसमें भी सीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम होता है। यहाँ पर सहपत्र होते हैं, वो प्याले नुमा मांसल आकृति बना लेते हैं, प्याले नुमा मांसल आकृति बना लेते हैं सहपत्र, और इनमें जो मकरंद ग्रंथियां हैं वो पाई जाती हैं। जो प्याले नुमा संरचना बनती है सहपत्रों के द्वारा जो बनाई जाती है, उसमें मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं वो एकलिंगी, अत्यधिक रसित और परिदल विहीन होते हैं। ये तीन विशेषताएँ हैं। बहुत ज़्यादा रसित होते हैं, मतलब रिड्यूस्ड टाइप के एकदम, साथ में एकलिंगी होते हैं, और इनमें पेरियंथ यानी परिदल नहीं पाए जाते। यहाँ मादा पुष्प एक जायांग के रूप में पुष्पक्रम के केंद्र में होता है। मादा पुष्प जो होता है वो पुष्पक्रम के केंद्र में होता है, तथा यह चारों ओर से नर पुष्पों द्वारा घिरा रहता है। तो ये एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है जो नागफनी में आप आसानी से देख सकते हैं। तो एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम हुआ साइथियम। ये डायग्राम में आप यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से सहपत्रों का अरेंजमेंट है। बीच बीच में जो आप बड़ा फ्लावर देख रहे हैं वो मादा पुष्प है, और चारों ओर से जो घिरा हुआ है वो नर पुष्प हैं। दूसरा है कूटचक्रिक। इस प्रकार के पुष्पक्रम में भी सीमाक्षी पुष्पक्रम होता है, अर्थात यहाँ पर निश्चित सीमा तक ही वृद्धि करता है पुष्पावली ग्रंथ, तो यहाँ पर भी सीमाक्षी पुष्पक्रम होता है, लेकिन जो स्टेम होता है उसके नोड्स पर सम्मुख पर्ण पाए जाते हैं, आमने सामने पत्तियां पाई जाती हैं, सम्मुख पर्ण उपस्थित होती हैं, जिनके कक्ष में एक द्विशाखी सीमाक्षी पुष्पक्रम विकसित होता है। द्विशाखी सीमाक्षी पुष्पक्रम इन पत्तियों के कक्ष में विकसित होता है। प्रत्येक द्विशाखी सीमाक्ष ह्रासित होकर वृश्चिकी सीमाक्ष बना लेते हैं। ये कोई टर्म नई नहीं है, सारे आप पिछले पढ़ चुके हैं कि सीमाक्ष भी वृश्चिकी भी। तो यहाँ पर जो द्विशाखी सीमाक्ष होता है वो और रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होकर वृश्चिकी सीमाक्ष में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो प्रत्येक नोड होती है उस पर पुष्पों की संख्या 6 होती है, और ये जो 6 पुष्प होते हैं वो 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ होते हैं, और ऐसा तुलसी में आप देख सकते हैं। ये डायग्राम देखकर आपको ध्यान आ रहा होगा कि तुलसी में इस प्रकार का ही पुष्पक्रम विकसित होता है। तीसरा हाइपेंथोडियम। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पक्रम का निर्माण 3 सीमाक्षी पुष्पक्रमों के पुष्पावली ग्रंथों के मिलने से होता है। 3 सीमाक्षी पुष्पक्रम, उनके जो पुष्पावली ग्रंथ होते हैं वो आपस में जॉइंट हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, और इस प्रकार से जो पुष्पक्रम बनता है वो हाइपेंथोडियम होता है। यहाँ पर पुष्पावली ग्रंथ संयुक्त होकर एक प्याले नुमा संरचना बना लेते हैं, और इस प्याले नुमा संरचना के ऊपर एक छिद्र होता है जिससे ये खुला हुआ प्रतीत होता है कि इस छिद्र के द्वारा ये बाहर की ओर खुलता है। ये जो प्याले नुमा संरचना बनी पुष्पावली ग्रंथ से, इसे रिसेप्टिकल कहते हैं, और इस प्याले नुमा संरचना यानी रिसेप्टिकल में छोटे छोटे फ्लोरेट यानी पुष्पक सीमाक्षी क्रम में लगे रहते हैं। इसमें छोटे छोटे जो पुष्पक होते हैं वो सीमाक्षी क्रम में लगे रहते हैं, किस पर? रिसेप्टिकल पर। इसके पैंदे की ओर मादा और छिद्र के समीप नर पुष्पक होते हैं, यानी बेस में फीमेल फ्लावर, और ऊपर की ओर जो छिद्र है उस पर मेल फ्लावर्स उत्पन्न होते हैं। तो ये नर पुष्प जो होता है उसमें पुंकेसर और परिदल दो दो भाग, जबकि मादा पुष्प में जायांग और परिदल होते हैं। इससे पहले वाला पढ़ा था हमने, वहाँ पर परिदल एब्सेंट थे, यहाँ पर परिदल प्रेजेंट है, यानी पेरियंथ जो होता है वो यहाँ पर पाया जाता है। तो ये अंतर है पिछले वाले से हाइपेंथोडियम का। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मेल फ्लावर्स होते हैं उनमें पुंकेसर और परिदल, जबकि फीमेल फ्लावर्स में जायांग और परिदल पाए जाते हैं। गूलर में अंजीर, पीपल, बरगद, इजीली आप इसको देख सकते हैं, और ये जैसे ही आप उसका पुष्पक्रम देखेंगे आपको एग्जैक्टली इस प्रकार का ही पुष्पक्रम उनमें नज़र आएगा। इस प्रकार से यहाँ 3 और विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम आपने इस वीडियो में पढ़े हैं। इससे पहले में हमने एक पुष्पक्रम का अध्ययन किया था, तो यहाँ 3 और करने के बाद
अब हम पुष्पक्रम के चारों प्रकारों को स्टडी कर चुके हैं। सैसीमाक्षी हमने किया, ऐसीमाक्षी हमने किया, मिश्रित हमने किया और विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम ये भी हमने आपके साथ स्टडी किए हैं। तो ये चारों प्रकार के पुष्पक्रम महत्वपूर्ण भाग हैं, इनको पुष्प में आपको ज़रूर पढ़ना है। ये कहीं ना कहीं आपको टैक्सोनॉमी में भी हेल्प करेंगे, टैक्सोनॉमी में भी इनका जिक्र आता है। इसलिए यहाँ पर मॉर्फोलॉजी में तो आप इनको स्टडी कर ही रहे हैं, साथ में अगर यहाँ इनको ठीक से समझेंगे तो ये आपको टैक्सोनॉमी में भी हेल्प करने वाला है। इस प्रकार से इन दोनों वीडियोस को जिसमें हमने पुष्पक्रम स्टडी किए हैं आप 2 से 3 बार जरूर देखें और इनको समझने का प्रयास करें, आप निश्चित रूप से समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ इसकी स्टडी आप पहले 11th-12th क्लास में भी कर चुके हैं। तो आप इनको पढ़ें और समझने का प्रयास करें। थैंक यू।